देखिए, अभी जो मैंने ज्वाइन करने से पहले आखिरी के कुछ वाक्य सुने आलोक जी के, उन्होंने हिटलर शाही बोला, तो मैं दर्शकों के संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं हिटलर शाही किसे कहते हैं। हिटलर ने एक नारा लगवाया था अपने जमाने में, और वो उसके सबसे विश्वस्त रूडोल्फ हेस ने लगवाया था नाजी पार्टी के कन्वेंशन में, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। उसी प्रकार इंदिरा जी के समय में कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ जी ने नारा लगवाया था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। ये होती है हिटलर शाही। हिटलर ने 1938-39 में संबोधित करते हुए जजेस से कहा था कि आपको देश की आवश्यकताओं को समझना होगा, और अगर आप सरकार की आवश्यकता को नहीं समझेंगे तो आई विल टेक एक्शन। एग्जैक्टली यही वाक्य, कहिए तो मैं आपको क्लिप भी सुनवा सकता हूं, इंदिरा जी ने कहा था कि भाई अगर जजेस ही सारे डिसीजन लेंगे तो कौन होता है, ये डेमोक्रेसी क्यों है और नेता क्यों है, इसलिए जजेस को कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए। तो जनाब हिटलर शाही क्या है सबको नजर आता है। और वैसे हिटलर शाही ये भी होती है कि प्रधानमंत्री एक सामने बैठा रहेगा और पीछे से कोई उसको चलाएगा, और फिर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सदन के पटल पर कहेंगे 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। हिटलर शाही ये भी होती है कि एक कैबिनेट प्रस्ताव पारित करेगी और एक युवराज उसको सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ के फेंक देगा। इसलिए हम सबको पता है कि हिटलर शाही क्या है, और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे नेता तो उस चीज में विश्वास करते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप कहते हैं इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो जमीन आसमान का अंतर है। अब हम अगर आज के संदर्भ में आए, बिल्कुल आज के संदर्भ में हम बात करने का प्रयास करें, तो हम यह कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद आप कहते हैं हमने वादे नहीं पूरे किए, और वही जब 370 और राम जन्मभूमि और कॉमन सिविल कोड और ट्रिपल तलाक की बात आती है तो आपका आरोप है बीजेपी अपना एजेंडा लागू कर रही है। अब दो में से एक आरोप तय कर लीजिए, या तो अब आगे से आरोप लगाना छोड़ दीजिए कि हम अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं, जो हमने कहा वही कर रहे हैं, और दूसरी ओर आप कहते हैं जो हमने कहा वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं जहां तक देश के विकास की बात है, देश के अंदर रोजगार इंडस्ट्री ये सारी चीजों के डेवलपमेंट की बात है, तो जितना हमने कहा था हमारी तो यही मतलब आरोप भी हमारे ऊपर यही है कि जो हमने कहा वो हम करके दिखाते हैं। इसीलिए जनता का विश्वास श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, क्योंकि आज की राजनीति में हम विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक है और कांग्रेस विश्वसनीयता के संकट की प्रतीक है, यानी जो पॉलिटिशियंस में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी कहा जाता है उसका प्रतीक है।